हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी बैचलर पार्टी ब्राइड की। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एंड डेकोरेशन हो रही है, तो मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। हम ही लोग सजा रहे हैं, तो नॉर्मल है, घर के लोग कज़न लोग हैं। तो वी इंजॉइंग आवर बैचलर पार्टी एंड जैसा जैसा होगा मैं आपको पूरा शो करूँगी। ओके कंटिन्यू। और शादी के दिन भी पास आ रही है हम लोगों की, तो शादी का भी व्लॉग आएगा। तो बस अब मेरे पास कंटेंट ही कंटेंट है गाइस, तो आप लोग वेट करिए। ओके, जैसा जैसा भी होगा मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। बाय बाय गाइस। हम लोग ये डेकोरेशन कर रहे हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है। मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ पहली बार ब्लॉगर की तरफ, यू नो। और ये लड़की दिख रही हो, पता नहीं दिख रही हो कि पहली बार बना रही मैं। तो ये डेकोरेशन कर, और मैंने बैलून फुलाए। हाँ सुंदर तो हो तुम, लेकिन मेरा दिल सुंदर है, मेरा दिल सुंदर है। हम भी फुलाए हैं, ठीक है। समरिया समरिया, तो अभी जैसा जैसा होता है हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं। ओके, अभी ब्राइड टू भी आई नहीं है, गई है पार्लर। तो बस हम लोग अभी हॉट हॉट एकदम बनेंगे। क्या बोला तूने? ओके कंटिन्यू। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने, और मैंने सोचा कि एक छोटा सा ट्रांजिशन वीडियो बनता है। तो बस ट्रांजिशन। ओके, 3 2 1 गाइस यू आर रेडी, वी आर से मतलब आई एम आल्सो रेडी एंड ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। मैं आपको बैक कैमरा कर दूं। लुक एट दिस प्रीटीएस्ट गर्ल एंड लुक एट दिस हॉट गर्ल, यू नो। ओह माय गॉड, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस वी आर रेडी फॉर द पार्टी। हाय गर्ल्स ऑफ लॉग, हाय। तो अभी ब्राइड टू बी को दिखाते हैं हम लोग। ओके, 3000 इयर्स लेटर। हे गाइस, तो हेलो एवरीवन, मैं ये वीडियो सुबह शूट कर रही हूँ, इसकी एंडिंग पार्ट ऐड करने के लिए। एंड हम लोगों को कल आने से मतलब बहुत लेट हो गया, लेट क्या मिडनाइट हो गई थी भाई, 1:30-2 बज रहे थे आए थे। तो हम लोग बस स्कूटी से जल्दी चले आए थे अपने घर पापा के साथ, तो मैंने शूट नहीं किया। और मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ ना, कुछ चीज़ वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ, मतलब सब कुछ समर्पित कर देती हूँ अपने फ़न के लिए, अपने मज़े के चक्कर में। तो एक ही 2 मिनट की ब्लॉग होती है मेरी, बट मैं 1-2 मिनट की भी ब्लॉग आप मतलब बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कंटेंट है। मेरे पास यादों के लिए बनाने के लिए यही एक क्या कहते हैं, पता नहीं नाम नहीं आ रहा, मतलब यही चीज़ एक है मेरे पास कि मैं इसको रख पाऊँगी हमेशा के लिए, क्योंकि मैं फ़ोटोज़ इतने रखती नहीं हूँ, मैं हमेशा डिलीट करती हूँ अपनी, तो खुद की डिलीट करूँ दूसरों की क्या रखूँगी। 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती हूँ, और वो भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। पता नहीं मैं कब इससे सीरियस लूँगी यूट्यूब को, बट आई एम सीरियस फॉर दैट।
तो बस इतना ही है हमारा ब्लॉग। जैसा भी ब्लॉग आपको लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे मैं बैकग्राउंड पे म्यूजिक बजाती हूँ तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, वाई? मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर तो लगाते हैं उसमें, शायद ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैंने देखा है। तो बताते हैं कि नॉर्मल आप लगा सकते हो, लेकिन अगर बजता है नॉर्मल लगा रहा है इंसान तो क्यों आता है, क्यों? इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कंक्लूजन क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। बस तो जैसे भी मेरी वीडियो लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो वैसे आती तो नहीं है बट आएगी जब भी आपके पास आ जाएगी। तो थैंक यू, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।